एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभी विश यू कर रही हूँ, इतना लेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा 2023 का फर्स्ट व्लॉग है। तो आप सबसे मैं फर्स्ट मतलब 2023 में फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, तो मैं आप सभी को विश कर दे रही हूँ बिलेटेड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो गाइस प्लीज़ ये सारी चीज़ें देखकर बोर मत होइएगा क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन में आता है। मुझे हाउस होल्ड वर्क भी करना पड़ता है, बाकी के वीडियो में भी आपको पता है, तो ये जस्ट उसका एक पार्ट है और सबके लाइफ में ये सब रहता ही है, तो ये करना नेसेसरी होता ही है। तो गाइस प्लीज़ बोर मत हुई, आप बोर हो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ कॉमेंट्स को यहाँ पर पिकअप करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बनी रहिए, आपको और भी चीज़ें देखने और जानने के लिए मिलेंगी। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे तो मैं पहले उनको ले लेती हूँ, उसके बाद से बात करते हैं आगे, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, उत्तम भाई का, विच फैकल्टी विल टेक क्लास ऑफ इकोनॉमी इन प्रहार बैच? तो मैं बता दूँ इससे क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, प्रहार बैच की मैं स्टूडेंट हूँ यूपीएससी वाला की, तो इसलिए भाई ने ये क्वेश्चन किया है। और भाई का थैंक यू सो मच कि ये मेरा हर ब्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं एंड जो क्वेरी रहता है उनका पूछते हैं। तो इकॉनमी के लिए जिया सर ही हैं, इनका क्वेश्चन था। तो भाई उत्तम भाई इकॉनमी के लिए जिया सर ही हैं, तो वही लेक्चर लेंगे। एंड यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, अनमोल चौधरी का, रोज वो एक क्वेश्चन करवाते हैं क्या? तो यस, अनमोल चौधरी वो यहाँ पे मतलब लेक्चर्स में वन क्वेश्चन डेली बेसिस पर होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर है सोनाली सिंधे का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, और इनका क्वेश्चन है जिया सर कैसा पढ़ाते हैं? तो अभी जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं, जिया सर का ही लेक्चर है, अभी चालू है मेरा, तो मैं जिया सर के ही लेक्चर से अभी कर रही थी, उनका ही लेक्चर चल रहा था। तो ऑफकोर्स वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी भी जिया सर ही पढ़ाने वाले हैं। तो ये रहे हमारे जिया सर, और ये हिस्ट्री बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं एंड यही इकोनॉमी भी पढ़ाएंगे, तो ओवरऑल अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी सबका मैं नहीं बता सकती, बट मुझे चीज़ें समझ में आती हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ये मेरा अभी मॉर्निंग का हिस्ट्री लेक्चर चल रहा था, तो मैं ये हिस्ट्री लेक्चर अपना अटेंड कर रही हूँ। और सबको पता है, मैं अपने हर एक ब्लॉग में बता देती हूँ कि मेरा मॉर्निंग का लेक्चर रहता है। तो अभी पता नहीं क्यों सर का ना 9 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, तो मैं ये लेक्चर अभी उनका ही अटेंड कर रही थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। एंड मैं इतने दिनों तक इनएक्टिव थी, ब्लॉग नहीं आ रहा था मेरा, क्योंकि थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी एंड सारी चीज़ों को लेकर, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं हो पा रहा है एंड लाइफ में भी स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, और सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में स्ट्रगल ही रहता है, तो मैं इसलिए भी इनएक्टिव थी एंड मतलब नहीं हो पा रहा था करने के लिए, और फ़ोन स्टोरेज का भी प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था एंड यही है। तो यहाँ पर सर हिस्ट्री का लेक्चर ले रहे हैं और सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिनका भी है डाउट है अभी भी कि यूपीएससी वाला का कोर्स ज्वाइन करें या नहीं करें, तो मैं तो बोलूँगी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सभी फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे से सारे कंटेंट्स डिलीवर करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं ये 2 hours का लेक्चर अटेंड करी थी, और जो कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं सारे लेक्चर्स मतलब 2 hours के लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मतलब मेरा जो रहता है स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो अभी मैं वही की हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ, उसके बाद से मैं अपना लेक्चर पर फोकस कर रही थी, और उसके बाद से लेक्चर्स मेरा हिस्ट्री का लेक्चर था, उसके बाद उसको फिनिश करने के बाद से उसके जस्ट बाद ये करंट अफेयर का स्टार्ट हो जाता है क्लास, जो रहता है लाइव होता है
यूपीसी वाला के यूट्यूब चैनल पर ही होता है, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें और कितने मंथ का करना चाहिए। तो गाइस जिसको भी नहीं पता है, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप यूपीसी वाला के चैनल से उनका लाइव लेक्चर, लाइव ये जो करंट अफेयर डेली एनालिसिस होता है न्यूज़पेपर का, वो कर सकते हैं। बहुत सर बहुत ही अच्छा कराते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं उनसे ही अभी कर रही हूँ। इससे पहले मैं वीर तालियान सर थे उनका कर रही थी, बट मैं अभी इनका ही ये डेली बेसिस का जो रहता है और द हिंदू का एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं वहीं से करती हूँ। और उसके बाद से ये अभी मैं निकल गई हूँ लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि 2 आवर्स का वो रहता है, 4 आवर्स मेरे मॉर्निंग में ऐसे ही हो जाते हैं, तो उसके बाद से मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी भी जाने के लिए। 11 to 12 o'clock हो जाता है, दोपहर हो जाता है निकलने के लिए, तो मैं दोपहर में ही निकल पाती हूँ अभी, तो कुछ ऐसा है। तो मैं अभी जा रही हूँ लाइब्रेरी, चलिए लाइब्रेरी जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे कॉलेज में, पहुँच चुकी हूँ, और इसके बाद से मैं सोची कि पानी भर लेती हूँ, क्योंकि पानी मस्ट होता है सबके लिए और पानी पीना चाहिए, बीच बीच में लेना चाहिए पानी। नींद हमको नहीं आती, अगर आ रही होती है तो वो ख़त्म हो जाती है और डिहाइड्रेशन करता है, प्लस जो हमारा वज़न होता है उसको कम करता है, एंड पानी से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पानी को अब दिन में जितना हो सके उतना लीजिए। एंड यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी पहुँचते ही मैं ना सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाती हूँ, क्योंकि घर से भी मैं करंट अफेयर करके गई रहती हूँ, और सोचती हूँ कि थोड़े से ब्रेक के बाद उसके तुरंत बाद मैं न्यूज़पेपर रीड कर लूँ, कोरिलेट हो पाता है तो चीज़ें बनी रहती हैं, फ्लो में रहती हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी मस्ट होता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि न्यूज़पेपर कितने मंथ का करना चाहिए, मतलब करंट अफेयर कितने मंथ का करना चाहिए। तो गाइस करंट अफेयर कम से कम 15 मंथ का होना चाहिए, बट अगर नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 12 मंथ यानी कि 1 साल का होना ही चाहिए, एनी हाउ 1 साल का होना ही चाहिए। और न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी होता है, बहुत लोग, मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर रिफर नहीं ज़्यादा नहीं पहले नहीं कर रही थी अभी, बट जब से लाइब्रेरी जा रही हूँ तो न्यूज़पेपर मैं डेली रीड करती हूँ, इससे पहले मैं भी नहीं करती थी। हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो न्यूज़पेपर आप रीड किया कीजिए। और यहाँ पर मैं ये वीडियो एक्चुअली 1 जनवरी का है, तो हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, काफ़ी टाइम से मैं बाहर नहीं गई थी, तो हम लोग बाहर गए थे तो वहाँ का वीडियो है ये, मैं सोची कि आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने सभी के साथ शेयर किया। ये मुंबई जुहू चौपाटी का है, बीच का है ये वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, यहाँ पर जाने के बाद ना कितना भी स्ट्रेस रहना ख़त्म हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको एंजॉय करिए। ओवरऑल आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग कुछ खास था नहीं, सोच रही थी क्या डालूँ ब्लॉग में, तो नहीं समझ आ रहा था, वैसे तो मेरा कुछ था नहीं, जो भी था ऐसे मतलब ऐड कर दी हूँ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग लेके आऊँ मैं, वैसे तो हो नहीं पाता है बट कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी प्रीलिम्स भी आ रहा है तो पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैं इस पे भी अपना ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी नीड है और अभी तक चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए भी मुझे इस पर भी थोड़ा फोकस होना है, क्योंकि साइड से इनकम का कोई सोर्स नहीं है, होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मैं जॉब वगैरह नहीं करती और मुझे जॉब में इंटरेस्ट भी नहीं आता है कि मैं जॉब करूँ, मुझे किसी के अंडर रह के वर्क करना पसंद नहीं, इस वजह से मैंने आज तक जॉब भी नहीं किया है। तो ये साइड इनकम के लिए मैं यूट्यूब पर हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इवन सबको करना चाहिए, सबको अपना एक सोर्स, साइड सोर्स बना लेना चाहिए। तो ओवरऑल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए।